होटल माउंट शिवालिक है। कभी भी ऑनलाइन बुकिंग ना कराएं, हमें बहुत महंगा पड़ा, 2100 रुपये के दो कमरे, और यहाँ आके देखा तो ये 700 रुपये में रूम दे रहे हैं सबको, और कोई खास रूम भी नहीं है, बस काम चलाओ। और मौसम बहुत प्यारा है उसको, अभी हम बाइक का थोड़ा मेंटेनेंस कर रहे हैं, लाइक ल्यूब एंड चेन क्लीनिंग। अभी हम माउंट शिवालिक से श्रीनगर और सोनमर्ग की तरफ जाएंगे, और अभी 8:30 हो चुके हैं और हमारी बाइक रेडी है, बस अब निकल गए। और मौसम रात का तो बहुत सुहाना था, अभी थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है और श्रीनगर में भी गर्मी मिलने की पूरी हो रही है उम्मीद है। ऑलराइट गाइस, डे टू का सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। आज का जो प्लान है हमारा पटनीटॉप टू सोनमर्ग वाया श्रीनगर, सबसे पहले हम जाएंगे श्रीनगर, वहाँ पे नत्थू स्वीट पे हम लंच करेंगे और उसके बाद डल लेक पे हम थोड़ा बोटिंग भी करेंगे। तो मेरे दोनों दोस्त सुरेंद्र भाई और जॉन भाई ऑलरेडी तैयार होके आगे जा चुके हैं ये, और मैं भी अभी निकल चुका हूँ। आज का प्लान मैंने आपको बता दिया है, हमने जाना है सोनमर्ग जिसका डिस्टेंस है 265 किलोमीटर, और श्रीनगर का डिस्टेंस है 185 किलोमीटर, यानी कि हम श्रीनगर से सोनमर्ग टोटल 80 किलोमीटर आगे हमने और कवर करना पड़ेगा। तो लगभग आज का जो टाइम लगेगा, जो ड्यूरेशन लगेगी, वो लगभग मोर देन 8 आवर्स लगने वाली है। और वेदर तो बहुत ही प्लेजेंट है इस समय, रात का तो बहुत ही शानदार मौसम था। ये जो नज़ारे देखे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, चारों तरफ वादियां हैं और खूबसूरती फैली हुई है। तो लद्दाख सफरनामे में हमारा आज डे टू है, आप एंजॉय कीजिए हमारे ट्रिप को। अभी हम पटनीटॉप से नीचे आ चुके हैं और उस रास्ते पे आ गए हैं जहाँ से वो टनल जाती है जो उधमपुर को सीधी निकलती है, 9 किलोमीटर लॉन्ग टनल। कल हमने टनल को बाईपास कर दिया था और हम सीधे चले गए थे पटनीटॉप, ड्यू टू हिल स्टेशन या वेदर बहुत ही शानदार था ऊपर। आज का जो हमारा स्टे है वो है सोनमर्ग को, तो ये 20-22 किलोमीटर काफ़ी ख़राब रोड मिलने वाली है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है इस रोड पर, तो इसलिए काफ़ी ध्यान से हमें बाइक चलानी पड़ेगी क्योंकि बड़े बड़े पत्थर भी मिल सकते हैं और रोड भी काफ़ी टूटी फूटी है इस समय। आगे तो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे ही, काफी शानदार नजारे हैं कश्मीर के, एंजॉय कीजिए। हम दोस्तों बनियाल पहुंच चुके हैं, ये बनियाल विलेज है और हमने लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है सुबह से, लगभग मोर देन 3 आवर्स हमने राइड कर लिए हैं। आगे अभी हमने श्रीनगर को लगभग मोर देन 100 किलोमीटर और राइड करनी है, लेकिन आगे जो रोड कंडीशन है काफ़ी अच्छी होने वाली है, जो श्रीनगर का रोड है काफ़ी अच्छा है। इससे पहले हमें ज्वार टनल भी क्रॉस करनी है, अगर वहाँ पर जाम ना मिला तो हम समय से पहुंच जाएंगे श्रीनगर को। ये जो हाईवे है ये है NH-44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी हाईवे, ये हाईवे सीधा कन्याकुमारी को जाता है एक एंड से दूसरे एंड तक। वाओ वाओ वाओ, दोस्तों ये शैतानी नाला है मेरे पीछे, ये जो स्लाइडिंग आ रही है इसको शैतानी नाला कहते हैं, ये पूरी बर्फ़ से ढक जाता है नीचे तक और पूरी स्लाइड होती है। और इसके बाद 1.5 किलोमीटर बाद ज्वाल टनल है और 10 किलोमीटर की डाउन है, उसके बाद लेन आ जाएगा। बहुत ही शानदार जगह है, खूबसूरत जगह है ये। दोस्तों ये एक टाइटैनिक पॉइंट है और बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से दिख रहा है पीछे का,
बहुत ही शानदार। अभी जवाल टनल पार करी है हमने, जस्ट एक या दो किलोमीटर बाद ये पॉइंट है। जब भी इस तरफ आए तो आप यहाँ जरूर रुके, देखिए बहुत ही शानदार नज़ारा है। गाइस वी आर रीच्ड इन श्रीनगर। हमने लगभग 185 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। मोर देन 5.5 आवर हो गए हमें राइड करते हुए, और बीच में काफ़ी अच्छी रोड भी मिली हमें, हाईवे बहुत ही शानदार मिला, जिसके कारण हम रास्ते को काफ़ी अच्छी तरह से कवर कर पाए। अभी जो हमारा प्रोग्राम है, हम जाएंगे अभी नथु स्वीट्स पे और वहाँ पे करेंगे लंच। काफ़ी फेमस है नथु स्वीट्स, अगर श्रीनगर आए तो आप नथु स्वीट्स पे जरूर लंच या कुछ भी खाना खाएं यहाँ पे। तो उसके बाद हम डल लेक पे बोटिंग करेंगे, फेमस डल लेक जो कि श्रीनगर की है। अगर आप यहाँ आए और बोटिंग ना करें तो आपका सफर अधूरा रहेगा, तो हम अभी बोटिंग का भी मजा लेंगे। आप भी एंजॉय कीजिए श्रीनगर को। ऑलराइट गाइस, अभी हम चल पड़े हैं सोनमर्ग की तरफ, और जो डिस्टेंस कवर करना है हमें अभी मोर देन नियर 80 किलोमीटर हमने कवर करना है। 3 आवर्स लगने वाला है हमें अगर हम कहीं ज़्यादा देर स्टे नहीं करते हैं। तो इस समय जो कंडीशन मैं बता देता हूँ, बहुत ही तेज़ गर्मी है यहाँ पे श्रीनगर में। मोर देन 1 आवर हमने यहाँ पे स्पेंड भी किया है, लेकिन हालत ख़राब हो चुकी है। हमने नथु स्वीट पे अभी लंच किया था और उसके बाद हमने बोटिंग भी करी थी जैसे आपने देखा, और अब हम चल पड़े हैं सोनमर्ग की तरफ, क्योंकि वहाँ का वेदर कंडीशन सोनमर्ग की बहुत ही शानदार है। बहुत ही ठंडा वेदर है सोनमर्ग का, और नज़ारे जो देखने को मिलेंगे बहुत ही शानदार होंगे। अगर हम अंधेरा होने से पहले सोनमर्ग पहुंच गए तो आपको नज़ारे जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, इससे हमें थोड़ा हौसला मिलता है। दोस्तों ये दाईं तरफ जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये एक टनल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, और ये टनल सोनमर्ग से लेह को बन रही है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि विंटर के टाइम में लोधीला पास बिल्कुल बंद हो जाता है और लेह से कनेक्शन बिल्कुल कट जाता है। ये टनल बनाई जा रही है ताकि 12 महीने हमारा लेह से कनेक्शन जुड़ा रहे। तो ये लेह का, ये टनल का काम यहाँ पे चल रहा है, और हम इस रिवर के साथ साथ चले जा रहे हैं, और यहाँ से जो आप नज़ारे देखेंगे वो शानदार हैं। वेलकम टू सोनमर्ग। हम सोनमर्ग पहुंच चुके हैं, हमने सोनमर्ग में एंटर कर लिया है। तो यहां से सोनमर्ग का एरिया शुरू होता है, तो जैसे आगे जाते जाएंगे तो आगे आपको होटल्स और कैंप्स मिलेंगे रुकने को। तो हम बात करके वहाँ पे होटल में कोई स्टे ले लेंगे आज रात के लिए, और सुबह सुबह हम निकल पड़ेंगे लेक की तरफ। देखते हैं कल कहाँ तक पहुँचेंगे, मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी जो समय हुआ है वो 6:45 हो चुका है शाम के,
और सोनमर्ग में आपका स्वागत है, स्वागत है। ये सामने आप देख रहे हैं पूरे सोनमर्ग को, बहुत ही शानदार। सूरज लगभग डल चुका है और धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है, तो जल्दी से ही हम कोई होटल देख के हम आज रात को यहीं पे स्टे करेंगे, सुबह फिर हम जाएंगे लेक की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो आपको पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब माई चैनल। और एट लास्ट दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।